सदन का आज दूसरा दिन था, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे पास मेरे साथ मौजूद हैं जेपी दलाल, कृषि मंत्री जो है हरियाणा सरकार के। सर, कैसे देखते हैं आज का जो पूरा जो कार्यक्रम रहा है, आज का जो सदन की कार्रवाई रही, कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई को? नहीं, कार्रवाई का विपक्ष ने अच्छा से दुरुपयोग किया, सत्ता पक्ष ने भी पूरा मौका दिया उनको, हर मुद्दे पर चर्चा हुई और जो भी तथ्य थे खुल के हमने रखे। लेकिन विपक्ष का ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि शोर किया जाए और तथ्यों पे बात न की जाए। तो सर, कहीं ना कहीं जो कोविड को लेकर था, आज भी सरकार पर हमलावर नजर आए और जिस प्रकार से उनका आरोप है कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से कोविड के दौरान जो मौतें हुई, सरकार उसका आंकड़ा छिपा रही है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि वो हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस थी जो जिस वजह से वो मौतें हुई, लेकिन सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। देखिए, सारी दुनिया में इस कोरोना संकट में बहुत सारी समस्याएं आई, हमारे प्रदेश में भी आई, और जो सरकार से हो सकता था, ऑक्सीजन का प्रबंध, वेंटिलेटर का प्रबंध, ऑक्सीजन के बेड बढ़ाना, दवाइयों का प्रबंध, पूरा भरसक प्रयास किया। और जितना अच्छा प्रबंधन हरियाणा का रहा है, इसके मुकाबले और जगह व्यवस्था कमज़ोर थी। और जो तथ्य हैं वो सबके सामने हैं, तथ्य कोई छिपाई नहीं जा सकते। और कांग्रेस का हल्ला गुला करके, शोर करके, ये करके, वो करके करने की कोशिश होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी चीज़ें थी सबके सामने रखी हैं, कोई चीज़ छिपाने का, कोई तथ्य छिपाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर भी जो है विपक्ष ने वॉकआउट किया, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? किसान आंदोलन पर तो कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ये कहते हैं कि काश कि पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों के बराबर गन्ने का रेट मिल जाता, जो खुद वो ट्वीट करके मैंने उनका देखा है, 310 से उन्होंने 325 बढ़ाया है, हरियाणा के अंदर हमारा 350 का रेट है, बाजरे की परचेज हमने अच्छी की है, मंडियां हमारी अच्छी चली हैं, सीधा पैसा हमारा जाता है। तो हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा को दूसरे प्रदेशों को फॉलो करना चाहिए, और ये कांग्रेस के लोग अब ये बोलने भी लग गए। सर, एक चीज़ और है, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आरोप लगाया है कि किसानों पे जो है धाराएं, गलत धाराएं का इस्तेमाल करके उन पर देशद्रोह के जो मुकदमे वो भी लगाए जा रहे हैं, इस पे अब सरकार की पक्ष से कैसे क्या देखते हैं पूरा मामला? किसान के ऊपर हमारी कोई मंशा नहीं धारा लगाने की, और ना ही कोई धारा हमने लगाई है। लेकिन किसान के नाम पर कोई उपद्रव फैलाता है, कोई ऐसी घटना करता है, तो वो किसान की आड़ में लेके बच नहीं सकता। और आपके एरिया में पानी की कमी भी बताई गई है उनके द्वारा, कहीं ना कहीं पीने की पानी की समस्या आ रही है, और नहरों के पानी की बात वो कर रहे हैं कि हमारे टाइम में 24 दिन में 25 दिन में पानी आता था, अब 40 दिन के बाद एक हफ्ता पानी आता है। देखिए, पिछले साल जमुना के अंदर आधा पानी था, भाखड़ा के अंदर 25% पानी था, लेकिन भिवानी जिले के अंदर उसके बावजूद भी पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा पानी मिला है। पीने का पानी की व्यवस्था भी हमने अच्छी की है। नहरें जो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, खासकर लोहारू हल्के में, टेल के इलाके के अंदर, तोसाम के आखिरी इलाके के अंदर, जिनमें 30-30 साल से पानी नहीं आता था, मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उन नहरों को पानी दिखाया, वहाँ की जनता धन्यवाद करती है। नेता जरूर हैं कि वो अपने मौके पर कभी हाजिर नहीं होते, कोरोना काल में कभी दर्शन नहीं दिए, अब वो दिखाना चाहते हैं कि किसान हितैषी हम हैं और दर्शन करना चाहते हैं। तो ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पानी की व्यवस्था को लेकर किरण चौधरी ने जो सवाल उठाए थे वो कहीं ना कहीं निराधार हैं। चौधरी बंसीलाल की जो बनाई हुई नहरें थे उनमें टेल तक पानी पहुंचाने का मनोहर लाल की सरकार ने काम किया है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि कालियामन, हरियाणा न्यूज़।